नगर निकाय चुनाव के बाद आसीन नगर पालिका में पार्टियों में मची हलचल के बाद एक नया मोड़ सामने आया है। कांग्रेस पार्टी से जीते वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी देवीलाल साहू और वार्ड नंबर 12 से जीती मीना साहू, दोनों पति पत्नी समेत तीन अन्य प्रत्याशियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता के बाद देवीलाल साहू ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र उपखंड अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। वहीं मौके पर भारी मात्रा में पुलिस दल तैनात किया गया। आपको बता दें, आसीन नगर पालिका की 25 सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस, 9 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए थे, लेकिन पार्टी में खींचातान को लेकर भाजपा का बोर्ड बनता नजर आ रहा है। इसे देवीलाल जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। जिला संगठन और प्रदेश नेतृत्व से स्वीकृति मिलने के बाद हमारे मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण जी के नेतृत्व में, हमारे संयोजक महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने सभी ने नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार माननीय देवीलाल जी साहू है, जिनका नामांकन हमने 11:35 प्रस्तुत कर दिया।